सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक विषय रणनीति का शीर्षक है इमरजेंसी ऑपरेशन। फ्रेंड्स, दिस इज अ प्रोग्राम आवर वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जयपुर। Organization can discuss topics related to the EEC. We have our speakers or the resource person, Kandal Suprekar sir, Director CDM Vyas sir, and Balaji Chauhan sir, youth as FS. And our all the speakers have vast experience in the field for disaster management. Emergency Operation Center. For now, I'd like to invite Professor Rukunde Singh from SCM Rigpa to please. I welcome you, sir, Professor Rukunde. Over to you, sir. Are you there? So the Rukunde sir, रोज कर्मा जी जो थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में हमारे बताएं कि आज हम प्रोग्राम के क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे और थोड़ा सा हमारे थोड़ा सा हाईलाइट धन्यवाद अरुण। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं शेखर चतुर्वेदी यहाँ पे सहायक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ राष्ट्रीय आपदा संस्थान में। और इस संस्थान का जो उद्गम हुआ था वो 1995 में हुआ था एक छोटे से केंद्र के रूप में, और वहाँ से समुदाय केंद्रित और जो क्षमता वृद्धि के कार्यक्रम हैं, चाहे प्रशिक्षण के थ्रू हो, चाहे रिसर्च और एडवोकेसी के थ्रू हो, ये सारी चीज़ें करते हुए आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम एक संस्थान के रूप में आपके बीच में मुखातिब हैं और हम संस्थान के रूप में आपके बीच में मौजूद हैं। और क्षमता वृद्धि का कार्य जो हम लोग कर रहे थे, ये दोबारा से हम लोग वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो हम एकत्रित हुए हैं, उसमें थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आई थी कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको डाउनलोड करने का प्रॉब्लम थी, लेकिन यह है कि अब चूंकि बहुत से लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। हमारे बीच दो प्रवक्ता रहेंगे, एक्सपर्ट हैं, जो आपके बीच आपके साथ अपने जो संस्मरण है उनको साझा करेंगे। बालाजी चौहान जो USFS के साउथ एशिया एक्सपर्ट हैं आपदा प्रबंधन में, और विश्वास सुपनेकर जी, कर्नल विश्वास सुपनेकर जी, जो मेरे मैं कहता हूं कि मेरे गुरु हैं इस आपदा प्रबंधन और IRS के क्षेत्र में, और उनका एक बहुत लंबा एक तजुर्बा है आपदा के प्रशिक्षण में भी, आपदा का ग्राउंड ट्रूथिंग में भी, और आपदा के लिए जो जमीन पर उतर के प्लान बनाना, योजना बनाना, उसके प्रति एक बहुत बड़ा तजुर्बा है। हमारे बीच मैं मित्र भी कहूंगा और गुरु भी कहूंगा, रिपुंजे जी भी हैं, जो हमेशा एक बैलेंस्ड मार्गदर्शन हम लोग को देते रहते हैं कि
इस तरीके से अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा, इस तरीके से अच्छा रहेगा, तो मैं उनका भी इस जो वेबिनार है हमारा उसमें स्वागत करता हूँ। और हमारे जो कार्यकारी निदेशक महोदय हैं मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल, वो आज किन्हीं कारणवश उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेस्ट विशेज इस प्रोग्राम के लिए दी हैं, तो मैं उनकी बेस्ट विशेज आप सभी को प्रेषित कर रहा हूँ। और दूसरा मैं ये भी है कि जो प्रशिक्षणार्थी जहाँ जिन्होंने ज्वाइन किया है, विभिन्न प्रदेशों से भी हैं और राजस्थान के विभिन्न जनपदों से भी हैं, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। और आज हम दो सेशन लेके आए हैं आपके बीच। पहला सेशन है कि हमारा जो आपातकालीन संचालन केंद्र है, वो उसका एक मोटा मोटा एक ढांचा आपको देना और वो क्या कार्य करता है उसके बारे में एक रूपरेखा आपको बतानी कि वो क्या है, क्या करता है, प्री अगर डिजास्टर के बीच में उसका क्या रोल होता है, पोस्ट डिजास्टर में मेजरली जो हम लोग देखते हैं कि जब भी आपदा आती है तो एक कंट्रोल रूम डेवलप होता है, तो क्या हम उस कंट्रोल रूम को आपातकालीन संचालन केंद्र का नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, और अगर हम नहीं दे सकते हैं तो एक आपातकालीन संचालन केंद्र का क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या एक ढांचा होना चाहिए, उसके बारे में बालाजी सिंह हमारे बीच उपलब्ध होंगे और वो हमसे अपना विचार जो है साझा करेंगे। उसके बाद हमारे बीच मुखातिब होंगे विश्वास उपनेकर जी, जो डायरेक्टर CDM सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट याशदा पूना है, और उनका वो अपना एक आर्मी का उनका एक जो एक तजुर्बा है और जो उन्होंने ग्राउंड पर रह के जो कार्य किए हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन की योजना बनाने का या एक जो हमारी IRS प्रणाली आई है रेस्पॉन्स के लिए, प्रत्युत्तर के लिए, तो वो मोचन आपदा मोचन के लिए, तो वो किस तरीके से कार्य करती है और उसका जो हमारा संचालन केंद्र है उससे क्या रिलेशनशिप होता है, क्या तालमेल होता है, उसके बारे में वो हमारे बीच अपने विचार व्यक्त करेंगे। बाद में हम एक छोटा सा प्रश्नोत्तर का सेशन भी रखेंगे जिसमें पार्टिसिपेंट्स अपने प्रश्न रख सकते हैं और हमारे जो वक्ता होंगे वो अपने जो उनका तजुर्बा है उससे वो सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर आपका कुछ रह जाता है तो आप रिपुंजय जी के थ्रू हम लोग से उसको हम लोग के पास भेज सकते हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट्स की राय के द्वारा ही आपके वो जो भी आपकी जिज्ञासाएं उनको शांत करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से हम ये 2 घंटे का अपना सत्र पूरा करेंगे, जो अब 1.5 घंटे के आसपास का ही रह गया है, लेकिन यह है कि हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हमारा हम आपसे साझा कर सकें तो वो हम आपसे साझा करेंगे। धन्यवाद। ओवर टू यू अरुण। You are not audible. रिपुंजा जी, वेलकम एड्रेस के लिए आपको रिक्वेस्ट किया है। अरुण वाज नॉट ऑडिबल। सर, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं
और सब बस मैं इतना ही कहूँगा कि लेट स्टार्ट द प्रोग्राम एंड वी आस्क एक्सपर्ट्स टू कंटिन्यू सो दैट वी सेव टाइम एंड वी गिव मोर टाइम टू द एक्सपर्ट्स टू स्पीक ऑन द टॉपिक. सो ओवर टू यू अरुण एंड वी कैन रिक्वेस्ट द एक्सपर्ट्स टू कंटिन्यू. If we'll have time, then I'll speak in the end. But otherwise, it's okay. We can start. Ask our experts to continue. Thank you, Ripunja ji. जैसा मैंने कहा था, उसी के हिसाब से Ripunja ji ने फिर से हम लोग को एक मार्गदर्शन सा दिया कि हम लोग समय को बचाते हुए कार्य करें. तो बालाजी सिंह जुड़ रहे हैं तो मैं तब तक प्रेजेंटेशन उनका जो है वो शेयर करता हूं. और राइट दे दो, हमको राइट दे दो. हेलो, कैन यू हियर मी? यस बालाजी, वी कैन हियर यू. जस्ट इन टाइम सर. हेलो, 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 हेलो. यस सर, कैन यू हियर मी नाउ? या वी कैन हियर यू सर. दैट्स ग्रेट. Oh, I think I could just, I'm sorry, I'm little technologically challenged. So, shuru kare, I was able to hear everything. Yeah, now I think I am able to manage my camera also. Anyway, I'll switch it off. May I start? Yes, sir. Yes, sir. I think there is some echo. I think it'll set all right. सब लोगों को नमस्कार. ये जो टेक्नोलॉजी के वजह से जो देरी हुआ है और जिसके वजह से सबको दिक्कत हुई है, इसके लिए मैं काफ़ी माफ़ी चाहता हूं. और मैं NIDM को और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस सभा में जो आमंत्रण मिला है और मिलने का ही भाग्य मिला है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ. तो शुरुआत जो है करते हैं ये EOC ओवरव्यू जो बोलते हैं, आपदा नियंत्रण केंद्र. EOC का हिंदी में अगर अनुवादन कर सकते हैं तो इसका अनुवादन होगा आपदा नियंत्रण केयर का, आपदा नियंत्रण केंद्र. ये आपदा नियंत्रण केयर क्या होता है, इसमें कैसे अपने को आपदा प्रबंधन करते समय और आपदाओं को रिस्पॉन्ड करते समय मदद कर सकता है, इसके लिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं. मे आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जब भी अब एक आपदा होती है तो अपन क्या देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें कि डिजास्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है. डिजास्टर कॉन्टेक्स्ट में जो है पहले जब भी आपदा होती है तो और साधन की जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, और ये भी जब लगता है कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन होने से अच्छा रहेगा. सो देयर विल बी अ नीड फॉर रिसोर्सेज, नीड फॉर इंफॉर्मेशन, नीड फॉर कोऑर्डिनेशन. ये तो हम सब जानते हैं. और काफ़ी बार जो है आपदाओं में थोड़ा पॉलिसी का एक क्लैरिफिकेशन की भी जरूरत होती है, क्या हम का ये काम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्या, थोड़ा पॉलिसी का क्लैरिफिकेशन की भी जरूरत होती है. और काफ़ी बार जो है एक सिचुएशनल अवेयरनेस, माने क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो सकता है, कौन क्या कर रहे हैं, ये आपदा जो है कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये सारी चीज समझने की, माने सिचुएशनल अवेयरनेस जो बोलते हैं. अपन नॉर्मल टाइम पे भी, नॉर्मल जिंदगी में भी किधर तो यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, एक तरीके का सिचुएशनल अवेयरनेस रखते हैं. वो सिचुएशनल अवेयरनेस आपदा के बारे में, आपदा के समय जो है थोड़ा ज़्यादा उसकी महत्व हो जाता है. और मीन्स टू कनेक्ट स्टेक होल्डर्स, माने कोई भी रिस्पोंडर हैं, कोई पॉलिसी मेकर हैं, यानी तो पॉलिसी मेकर जो है नीचे, माने रिस्पोंडर जो काम कर रहे हैं उनसे, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, बॉटम अप और टॉप डाउन, दोनों तरीके से कनेक्ट करना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है.
और डिजास्टर कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा कंफ्यूजन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी रहता है, जैसे अपन देखे हैं सुबह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था, ये डिजास्टर तो नहीं हुआ लेकिन हो सकता था, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहता है कि किसी का माइक नहीं चला, किसी का कैमरा नहीं चला, कुछ किसका कुछ नहीं चला, तो किसी को ज्वाइन होने में दिक्कत होता है, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में भी, क्योंकि वो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन आवर प्रिपेयर्डनेस। अगर अच्छी तैयारी करते हैं तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी कम हो जाता है, अगर तैयारी थोड़ा कम होती है तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ जाता है। और इसके कारण जो है एक जरूरी होता है कि एक टाइमली और इफेक्टिव डिसीशन मेकिंग की जरूरत होती है, तो ये डिजास्टर का कॉन्टेक्स्ट है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और आप एक्चुअली ऑन साइट देखें तो जो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो टीम्स जो है वो अपने पास जो भी साधन है उनको उनके साथ लेकर काम शुरू करते हैं, और उनको जो है ज्यादा और साधन और इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। और जो फिर टीम्स जो रिस्पॉन्ड करते हैं आपदा में वो जो है टैक्टिकल प्लान में ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर आग लगी है तो आग कैसे बुझाना है, बाढ़ आई तो बाढ़ को कैसे, टैक्टिकल प्लान पे ज्यादा फोकस करते हैं, थोड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान पे कम फोकस करते हैं। और एज ए पार्ट ऑफ द टैक्टिकल प्लान वो लोग जो है अपने अपना और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, इसका जो है इसको कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सोच विचार में लगे रहते हैं। और इसके कारण जो है जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स जो रहते हैं वो उनको रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन ये सारा उपलब्ध कराना जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये इस संदर्भ में आपदा नियंत्रण केंद्र ईओसी जो बोलते हैं इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, इसका महत्व क्या रहता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। अगर आप आपदा नियंत्रण केंद्र का एक डेफिनेशन एक डिस्क्रिप्शन करना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि इट्स ए फिजिकल लोकेशन माने एक बिल्डिंग हो सकता है, एक टेंट हो सकता है, एक पेड़ के नीचे एक जगह हो सकती है, जो भी है एक फिजिकल लोकेशन फ्रॉम वेयर कोऑर्डिनेशन, ये नियंत्रण जो बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ द सोर्सेस रिसोर्सेस, ये सारा जो कर सकते हैं उसको जो है ईओसी कहलाता है। और ईओसी जो है एक टेम्पररी फैसिलिटी हो सकता है, जैसे अपन ये ट्रेनिंग करते समय एक टेम्पररी ईओसी इस्टैब्लिश कर सकते थे जो कि सबको सपोर्ट कर सकता था कि डाउनलोड करने में, या वॉइस अगर नहीं आया तो कैसे करना है, ये सारा चीज करने में एक टेम्पररी ईओसी भी इस्टैब्लिश हो सकता था। तो इसका मतलब है ईओसी आपदा नियंत्रण केंद्र एक परमानेंट बिल्डिंग में रह सकता है, एक टेम्पररी एक सिर्फ एक इवेंट के लिए एक एक्टिविटी के लिए भी बना सकता है, उसके बाद में उसको डिसमेंटल कर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। सो इट कैन बी परमानेंट, इट कैन बी टेम्पररी, बट इट हैज टू बी अ फिजिकल फैसिलिटी फ्रॉम वेयर कोऑर्डिनेशन हैपेंस एंड ऑल्सो फ्रॉम वेयर सारे माने कोई भी अधिकारी हाईएस्ट अधिकारी भी बैठकर वहां पे वहां से ऑपरेट करने की माने अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए उसका वो फैसिलिटी से, अगर वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो। सो इसके संदर्भ में अगर ईओसी जो बोलते हैं अगर उसको हम अपन जो है एक सिस्टम के माफिक देख सकते हैं विच सिस्टमैटिकली एंड प्रिडिक्टेबली प्रोवाइड सपोर्ट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन पॉलिसी रिसोर्सेस एंड दिस हैपेंस थ्रू इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। अगर अभी भी देखें तो काफी एजेंसीज जुड़े हुए हैं, याजदा जुड़ा हुआ है, NIDM जुड़ा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, माने काफी एजेंसीज जुड़े हुए हैं। सो ये एक जो ईओसी होता है जो भी एजेंसी जुड़े हुए हैं उनको साथ लेके इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के साथ उनका काम करता है, एक एजेंसी नहीं काफी एजेंसी रहते हैं। Can I have the next slide, please? EOC का purpose क्या है?
ये ईओसी का पर्पस ये है कि एक सेंट्रल लोकेशन में गवर्नमेंट फ्रॉम एनी लेवल कैन प्रोवाइड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। माने अगर आप डिस्ट्रिक्ट ईओसी अगर आप एस्टैब्लिश किए हैं तो वहां से एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कोऑर्डिनेशन कर सकता है, अगर स्टेट के अधिकारी वहां पे आते हैं तो स्टेट के अधिकारी भी बैठ के कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, या नेशनल ऑफिशियल्स आते हैं नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लोग भी बैठ के चाहे तो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। माने दी ईओसी पर्पस हैज टू मीट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी अधिकारी आते हैं वो बैठकर वो कोऑर्डिनेशन करने की एक सहूलत बनाने वाली चीज रहना चाहिए। नॉर्मली जब भी देखते हैं आपदा जो है इंसिडेंट जो है वो जितने पास से अगर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो उतना अच्छा है। सो इंसिडेंट्स आर बेस्ट मैनेज्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल लेवल। अगर ग्राम में कुछ हुआ है तो ग्राम के स्तर पर अगर मैनेज हो जाए तो अच्छा है, अगर कोई फायर का होता है तो सिर्फ फायर के लोग अगर मैनेज कर लिए तो अच्छा है, अगर ऐसे ही जो है इट हैज टू बी एट द लोएस्ट लेवल ज्योग्राफिकली ऑर्गेनाइजेशनली और ज्यूरिसडिक्शनली। और जैसे ही ये हायर लेवल पे जब मैनेजमेंट करने की जरूरत आती है तो एक कोऑर्डिनेशन इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और इंट्रा एजेंसी कोऑर्डिनेशन डिसीशन मेकिंग पॉलिसी सपोर्ट ये सारे चीजों की जरूरत होती है। तो जब तक लोएस्ट लेवल पे मैनेज होता है तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम जो है मैनेज कर लेता है, जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है और दूसरे अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट दूसरे ज्यूरिसडिक्शन की इंटरवेंशन की जरूरत होती है जब एक ईओसी की जरूरत होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ईओसी क्या करता है, तो इसमें एक बुलेट मिसिंग है। ईओसी तो जब आपदा नहीं होती है तो ईओसी सर्वेलेंस का काम करता है। हम सबको मालूम है अभी आंध्रा और ओडिशा कोस्ट में जो है साइक्लोन गुलाब का लैंडफॉल होने वाला है, हो गया है कल रात में। सो पिछले 3-4 दिन से जो है ईओसी सर्वेलेंस करता होगा कि ये साइक्लोन कैसे मूव हो रहा है, कब लैंडफॉल होगा, किधर लैंडफॉल होगा, कैसी इंटेंसिटी होगी, किसको इवैक्यूएट करवाना है, ये सारे चीज एक सर्वेलेंस जो कि डिसीशन मेकिंग प्रोसेस में जो है इनपुट बन के जाता है वो काम करते हैं। और जब सर्वेलेंस के स्टेज में और आपदा होने के बाद में भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड सपोर्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सपोर्ट बॉटम टू टॉप भी हो सकता है, टॉप टू बॉटम भी हो सकता है। जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम्स जो NDRF टीम्स अभी डिप्लॉय हुए हैं उनको थोड़ी इंफॉर्मेशन की जरूरत हो सकती है तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट ईओसी से मांगेंगे। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या हो रहा है थोड़ा इंफॉर्मेशन लेकर बताओ। तो इंफॉर्मेशन नीड जो है बॉटम अप भी हो सकती है टॉप डाउन भी हो सकती है। वो इंफॉर्मेशन को जो है ईओसी फैसिलिटेट करवाता है कि जिसकी जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है उनको उनकी मांग को पूरी करता है। और ईओसी जो है काफी बार स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी देता है, अगर प्रोवाइडेड कि अभी लैंडफॉल होने वाला है या पिछली साल जो लोकस्ट अटैक हुआ था, अगर आपको रिसोर्सेस माने पूरा ये स्ट्रेटजी क्या बनाना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेस कहाँ से किधर जाना चाहिए, ऐसा हायर लेवल ऑफ प्लानिंग जो है ईओसी कर सकता है। पॉलिसी सपोर्ट दे सकता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग पावर्स इन टर्म्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सारे चीज भी पॉलिसी सपोर्ट ईओसी दे सकता है क्योंकि वहाँ जो अधिकारी चाहिए वो बैठे हुए रहते हैं। और रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकता है, जैसे कि अभी लोकस्ट अटैक हुआ था, आप वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट को या एक ब्लॉक को थोड़े रिसोर्सेज की जरूरत हो सकती है, वो रिसोर्सेज उनके पास नहीं रहते हैं तो ईओसी उनको रिसोर्सेज मोबिलाइज करता है। और अगर कंपीटिंग डिमांड हो सकता है, चार जगहों से आपको रिसोर्स रिक्वेस्ट आया है तो उसको अलग और आपके पास पूरे साधन नहीं है तो किसको कितना जाना चाहिए उसका एलोकेशन भी जो है ईओसी करता है और उसको मैनेज करता है। एक का काम एक रिसोर्सेज का काम खत्म होते ही दूसरे जगह जिधर जरूरत है उधर को कैसे मूव करना है ये सारी चीज भी ईओसी कर सकता है। और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन जो अपने काफी एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस हो, एग्रीकल्चर है,
और यू नो आपदा प्रबंधन जो भी एजेंसीज हैं, हेल्थ है, अभी पैंडमिक में भी देखे हैं कि सारे एजेंसीज मिलकर काम किए हैं, हेल्थ के साथ मिलकर पुलिस काम किया है और काफी दूसरे अधिकारी भी जुड़कर जो है एक जो टेस्ट डिटेक्ट वो क्या बोलते हैं ट्रैक टेस्ट डिटेक्ट एंड ट्रीट, वो जो वैल्यू चेन है सारे एजेंसीज मिलकर काम किए हैं। सो ये लोग ये सारे एजेंसीज मिलकर कैसे काम करेंगे, उनका कोऑर्डिनेशन जो है ईओसी कर सकता है। और काफी बार जो है आपको इंटर ज्यूरिसडिक्शनल अगेन पैंडमिक सिचुएशन में देखे हैं जो जो यात्री थोड़े यात्री हैं जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक डिस्ट्रिक्ट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, वो सारा चीज का तालमेल कैसे करना चाहिए और उनका मैनेजमेंट कैसे चाहिए, माने ज्यूरिसडिक्शन बदल जाता है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक वो हो जा सकता है। तो ये सारा ईओसी कर सकता है। और जब आपदा नहीं रहता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स अपडेट करने के लिए बनाने के लिए भी ईओसी इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रेनिंग में भी उनका एक महत्व रहता है। ये सारे ईओसी के फंक्शंस हैं। और ये अगर आप देखें ये तीन चीज की बात की है, पॉलिसी अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन सपोर्ट, ऑन साइट, ये अगर ये इनका सारा काम जो है ये तीन भाग में एक डिवाइड कर सकते हैं और ये सारे तीनों भाग की जो है एक इफेक्टिव रिस्पांस में जरूरत होती है। पॉलिसी और अथॉरिटी मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट देना, ऑन साइट इंसिडेंट मैनेजमेंट आपदा का प्रबंधन करना, ये ईओसी ये सारे तीनों में जो है वो काम करते हैं। ये नहीं है कि वो डायरेक्टली रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं लेकिन रेस्पॉन्ड करने में मदद करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, पॉलिसी सपोर्ट देते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये सारी चीज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो और ईओसी क्या एक 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 ऑर्गेनाइजेशन है एक और या इट्स ए नेटवर्क? ईओसी को नॉर्मली क्या बोलते हैं, ईओसी इज अ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम जो है माने बॉडी के विभिन्न अंग में रहता है। सिमिलरली ईओसी इज आल्सो नॉट वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज टू बी अ नेटवर्क। जब जितना नेटवर्क रहता है ईओसी उतना जो है उसका उसका इफेक्टिवनेस बढ़ता है। जैसे कि सबसे नीचे के लेवल पर क्या रहता है, एक इंसिडेंट होता है तो वहां पे एक पुलिस अधिकारी या एग्रीकल्चर ऑफिसर्स या हेल्थ ऑफिशियल्स या सारे लोग मिलकर उसको या फायर फाइटर्स उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। और वो प्रिंट आउट ले आएंगे आज। शेखर कैन यू म्यूट योर फोन? और वो इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम को लोकल ईओसी दैट इज ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको इंटर एजेंसी पॉलिसी रिसोर्स मोबिलाइजेशन कम्युनिकेशन सपोर्ट देता है। अगर कभी कोई जरूरत ये लोकल इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम की जो होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ईओसी जो है उसको फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरे ईओसी को उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के ईओसी को कि आपके पास जो हमारे लिए इस चीज की जरूरत है तो क्या उसका प्रबंधन कर सकते हैं, क्या ऐसा एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे ईओ, माने लेटरली जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लेटरली नहीं होता है तो स्टेट लेवल को जा सकते हैं, तो जो कुछ उनसे प्रबंधन कर सकते हैं वो करेंगे, या नहीं तो लेटरली रिक्वेस्ट करेंगे या वर्टिकली रिक्वेस्ट करेंगे। सो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ईओसीज का कनेक्टिविटी माने ये नेटवर्किंग बहुत जरूरी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल ईओसी से स्टेट लेवल ईओसी का कनेक्टिविटी भी जो जरूरत होता है। सिमिलरली स्टेट लेवल ईओसी पे जैसा ही रिक्वेस्ट आता है जो भी वो प्रबंधन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसका ऑर्गेनाइज करेंगे, या नहीं तो दूसरे नियरेस्ट स्टेट से रिक्वेस्ट करेंगे या नेशनल गवर्नमेंट को जाएंगे। नेशनल गवर्नमेंट जो भी कर सकता है वो करेंगे। अगर उनको लगता है कि इंटरनेशनल रिक्वेस्ट करना है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करेंगे। सो इस तरीके से जो है ईओसी इज अ नेटवर्क रादर देन वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। एक तो आपके ज्यूरिसडिक्शन में सब एजेंसीज डिपार्टमेंट्स को साथ रखना पड़ेगा, सिमिलरली वेरियस ज्यूरिसडिक्शन के साथ भी
कनेक्टिविटी बना के रखने की जरूरत होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। या सो इसीलिए ये सेम चीज को दूसरी तरीके से यहाँ पे पिक्चराइज किया है। अगर ये भी हो सकता है कि एक से एक नहीं काफी इंसिडेंट्स हो गए हैं, काफी इंसिडेंट्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो यहीं पे जो है रिसोर्सेज एलोकेशन की बात भी आ जाती है। सो ईओसीज कैन बी एस्टैब्लिश्ड एट वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, कैन बी एट लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, और काफी डिपार्टमेंट्स के भी रहते हैं, उनको कंट्रोल रूम बोलते हैं और यानी तो डिपार्टमेंटल ईओसी बोलते हैं। जैसे अभी रिसेंटली पैंडेमिक के सिचुएशन में जो है पब्लिक हेल्थ ईओसीज की एक बहुत ही बड़ी अहमियत बढ़ गई है, तो वो जो है सिर्फ हेल्थ का काम करते हैं, सो इट कैन बी अ डिपार्टमेंटल ईओसी आल्सो। बट जैसे ही इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है तो सारे एजेंसीज मिलकर एक जगह बैठकर काम करने की जरूरत होती है। सो एंड ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईओसीज टू बी नेटवर्क्ड एंड इंटरऑपरेबल। इंटरऑपरेबल का मतलब एक ही है कि उनकी भाषा जो बोलते हैं, अगर ये अगर इंसिडेंट कमांडर बोलते हैं, ईएसएफ बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं, ये भाषा जो होती है ये एक ही भाषा एक ही रहना चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन में फ्रॉम एक ईओसी टू द अदर ईओसी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये भाषा एक तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हैं पहले से ही प्लान कर और सोच कर। सो अभी ये जो मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे अभी तक, उसमें ईओसी कैसे काम कर सकता है। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो तस्वीर है आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले में जो है एक रोड में थोड़ा एक रोड है पेवमेंट के पास, थोड़ा पेवमेंट निकल गया है। सो दो लोग जो है आकर अपना जो भी लेकर जो है उसको ठीक कर रहे हैं, तो इसमें कोई दूसरे एजेंसी से कोऑर्डिनेशन की उसकी जरूरत नहीं रहती है, दोनों लोग ही सारा संभाल कर इसको थोड़ा सीमेंट वमेंट लगा कर चले जाएंगे। आप नीचे की जो तस्वीर देख रहे हैं ये मेरे ख्याल से महाराष्ट्र पुणे के पास एक बार लैंडस्लाइड हो गया था, तो लैंडस्लाइड जब हो जाता है तो पूरा काफी घर उसमें बह गए थे और काफी हानि लाइफ लॉस हुआ था, प्रॉपर्टी लॉस हुआ था, वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू करना पड़ा। तो एनडीआरएफ आती है, एसडीआरएफ आती है, पुलिस आती है, मिलिट्री आ सकती है, ये सारे लोग और रिलीफ माने रिलीफ के लिए एनजीओस आ सकते हैं। जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और जैसे जैसे मल्टीपल एजेंसी आते हैं तो है ना एक इंटर एजेंसी इंसिडेंट बिकम्स कॉम्प्लेक्स और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Or this is a typical situation where the EOCs will have to be, will be very important. Next slide, please. So, ये एक तस्वीर है, ये मेरे ख्याल से US की तस्वीर है, ये multi-agency coordination कैसे कर रहा है, left side में आप देखेंगे, तो वो काफी agencies के representatives बोलिए या department heads बोलिए, वो सारे लोग मिलकर decision making में या policy guidelines में उसमें हेल्प कर रहे हैं। सिमिलरली राइट साइड वाला थोड़ा बड़ा इंसिडेंट है तो काफी लोग आ गए हैं, तो ये सारी चीज होती है। ये दिस पिक्चर्स आर टेकन फ्रॉम यूएस। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये सारे तस्वीर जो है इंडियन ईओसी से हैं। मैं यही दिखाना चाहता था कि जो ईओसी का काम जो है, whether you do it in the US, whether you do it in India, whether you do it in one district, वो सारा एक ही तरीका का रहना चाहिए, तभी जो है experts का या responders का interoperability बढ़ता है। ये तस्वीरें मैंने नासिक कुंभ मेला 2015 वहाँ पर डॉक्टर सुपनेकर, याशदा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था जब थोड़े दिन, तो वहाँ से लिया है। अगर आप ये टेम्पररी ईओसी था, ये लेफ्ट साइड फर्स्ट वो जो लिखा हुआ है तो उसमें ये टेम्पररी ईओसी था, तो इसीलिए वहां पर लिखा हुआ है कि आपातकालीन नियंत्रण कक्षा। सो माने डिजास्टर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एक एस्टैब्लिश किए थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में,
और सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं ऊपर आप कि डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑफ एजेंसीज हैं डिपार्टमेंट्स हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स या उनके डिपार्टमेंट हेड्स आकर वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक वो उपस्थित रहते थे ताकि उनके डिपार्टमेंट का जो भी काम निकल आता है उसको तत्कालीन वो तुरंत वो जो है निपटा सकते हैं। और हर एक डिपार्टमेंट के लिए तीसरी तस्वीर में उनके डिपार्टमेंट के साथ जोड़ने के लिए बात करने के लिए एक हॉटलाइन इधर एयरपोर्ट बोलो पुलिस बोलो या जो भी फायर सर्विसेज बोलो सबके लिए एक एक हॉटलाइन रहता था ताकि वो लोगों को कम्युनिकेट करने में आसान हो जाए। और नीचे अगर लेफ्ट साइड में अगर आप फर्स्ट फोटोग्राफ देखेंगे वहाँ पर वो ज्यूरिसडिक्शन हेड जो भी थे एडिशनल कलेक्टर साहब और एडवाइजर थे डॉक्टर सुपनेकर वो जो है वहाँ पर उपस्थित थे ताकि एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये डिसीशन पॉलिसी डिसीशन लेने में कोई देर ना हो। और जो मैं आपको बोल रहा था ईओसी इज अ नेटवर्क नीचे के लाइन में रो में सेकंड फोटोग्राफ ये जो है वहाँ पर वो एक जगह थी जिधर से जो है वो स्नान के लिए ऑर्गेनाइज करना था माने कुंभ मेला में जो स्नान करने आते हैं वहाँ का और एक वो सिर्फ वो ज्यूरिसडिक्शन के लिए एक ईओसी ऑर्गेनाइज किए थे। तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऑफिसर्स कभी कभी वहाँ पे भी जो है निरीक्षण करने जाते थे। ये त्रियंबकेश्वर इज द नेम ऑफ द प्लेस। ये ऊपर के सारे नासिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में है नीचे के सारे त्रियंबकेश्वर के हैं ताकि त्रियंबकेश्वर के ईओसी और आपके नासिक लेवल के ईओसी में एक तालमेल था। और राइट साइड कॉर्नर का आप नीचे का फोटो अगर पिक्चर देखते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट का ईओसी था। पुलिस डिपार्टमेंट उनके अलग ईओसी एस्टैब्लिश कर लिए थे लेकिन उसका संपर्क जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल ईओसीज के साथ था। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय टू बी इफेक्टिव ईओसीज हैव टू बी नेटवर्क्ड ईओसीज हैव टू ऑपरेट विद द सेम ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। ये अलग अलग सिंगल सिंगल यूनिट्स में काम नहीं करते हैं तो ये दिखाने की मैंने थोड़ा यहाँ पे प्रयास की है। सो हाउ डज ईओसी सपोर्ट इंसिडेंट रेस्पॉन्स। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारे चीज करते हैं वो कभी कभी एस्टैब्लिश और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी कभी पॉलिसीज में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। कम्युनिकेशन और मैसेजिंग जैसे मैंने बताया था वो करते हैं। प्रायोरिटाइजिंग एंड प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज कोई पूछते हैं हमको 3 क्रेन चाहिए और कोई पूछता है हमको 5 क्रेन चाहिए लेकिन है ही आपके पास 4 क्रेन तो आप कैसे प्रायोरिटाइज करोगे। ये सारे डिस्कशन और डिसीजन जो है ईओसी लेता है। और ऑल्सो इट कैन वर्क ऑन मैनेजिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन इशूज और मीडिया रिक्वेस्ट तो ताकि जो आपदा में जो रिस्पॉन्ड कर रही है टीम उसको उनका काम करने के लिए मीडिया को और पब्लिक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया सारा ईओसी मैनेज कर सकता है। ऑथराइजिंग एमरजेंसी एक्सपेंडिचर्स भी कर सकते हैं और दे ऑल्सो प्रोवाइड ए बिग पिक्चर थ्रू GIS एनालिसिस। सो ये सारे जो इंफॉर्मेशन डिसीजन जो रिस्पोंडर को हेल्प कर सकते हैं या पॉलिसी मेकर को हेल्प कर सकते हैं सारे चीज जो है ईओसी करता है। ईओसी टैक्टिकल प्लानिंग और टैक्टिकल रिस्पॉन्स नहीं करता है सारे चीज जो है सपोर्टिव प्लानिंग और सपोर्टिंग द रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसके फायदे क्या होते हैं फायदे तो आप जान गए होंगे। इट विल हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग ए कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर इसका मतलब है जो रिस्पॉन्डर देख रहा है वही चीज जो है सब डिपार्टमेंट्स देखते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखता है सारे लोग एक ही अंडरस्टैंडिंग रहता है एक ही भाषा बोलते हैं। और ये नहीं है कि कोई बोलता है कि 10 4 घर नीचे मैंने गिर गए और कोई बोलेगा कि नहीं नहीं 10 घर गिरेंगे ये तो मीडिया के लिए काफी बार जो है ये इट बिकम्स ए फॉर्डर ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आते हैं तो सबका एक ही कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर एस्टैब्लिश करने में ईओसी मददगार साबित होता है। इंफॉर्मेशन एनालिसिस होता है काफी बार इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने की भी जरूरत होती है
वो इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन जो है ईओसी कर पाता है. रेडी एक्सेस टू अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मैप्स हो या पॉलिसी हो या एड्रेसेस हो, वेंडर डिटेल्स हो, या माने स्टैंडर्ड इक्विपमेंट क्या हो सकता है, इक्विपमेंट के पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, तो ये सारा इंफॉर्मेशन अगर सही तरीके से ईओसीज के पास है तो ये सारा चीज जो है वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं. कोऑर्डिनेट्स, प्रायोरिटाइजेशन इसकी बात हो गई है, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, रिसोर्सेज किधर है और उसको कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे असाइन करना है, कार्रवाई क्या करना है, ये सारी चीज भी कर सकते हैं. और लॉन्ग टर्म जब ऑपरेशन होता है वहाँ पर भी उसके लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्डर्स चेंज करने में और टीम को चेंज करने में, सारे चीज करने में भी ईओसी की बहुत मददगार साबित होती है. और ये थोड़ा क्योंकि एक लार्जर पिक्चर मालूम होता है तो सेफ्टी के लिए भी ये काफी मदद कर सकते हैं, सेफ्टी ऑफ द रिस्पॉन्डर्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी ईओसी एक बिल्डिंग नहीं है, ईओसी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ईओसी इज ए नेटवर्क जो अपन समझ रहे थे. सो ईओसी को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत होती है, वो कैसे कर सकते हैं. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एक तरीका है कि ईओसी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो बोलते हैं, पॉलिसी डिपार्टमेंट हो सकता है, कमांड फंक्शन जो कि टीम लीडर हो सकते हैं, ऑपरेशंस फंक्शन, प्लानिंग फंक्शन, लॉजिस्टिक्स फंक्शन, फाइनेंस एंड एडमिन फंक्शन, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन, माने एक फंक्शनल डिपार्टमेंट के और जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम के साथ मिलकर ऐसे ऑर्गेनाइज. फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस में जो है पुलिस और वाटर रिसोर्सेज, फायर फाइटर्स, ये सारे ऑपरेशंस में बैठेंगे. प्लानिंग जो भी करता है वो प्लानिंग में बैठेगा. तो ऐसे यू कैन ऑर्गेनाइज इट बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Another way of organizing EOC is based on what we call as the emergency support function. As per the National Disaster Management Authority and Disaster Management Act, ये काफी emergency support functions हैं और हर emergency support function को एक identified department उसको responsible है. जैसे कि communications के लिए ये दिल्ली का ESF based EOC है, communications के लिए MTNL, evacuation के लिए पुलिस, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए सेक्रेटरी होम, ऐसा एक एक चीज के लिए एक एक डिपार्टमेंट जो है उसका कोऑर्डिनेटर है और वो हर फंक्शन के लिए ईएसएफ के लिए सपोर्टिंग मेंबर्स भी हैं. जैसा कि कम्युनिकेशन में एमटीएनएल इज द कोऑर्डिनेटर, बट एनआईसी, पुलिस, रेवेन्यू वायरलेस, प्राइवेट टेलीकॉम, हैम ऑपरेटर्स, ये सारे सपोर्ट फंक्शंस हैं. तो आप ईओसी में जो है ये सारे लोगों को अलग अलग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. कम्युनिकेशन वालों को अलग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इवैक्यूएशन के वालों को अलग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या नहीं तो कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यू कैन आल्सो मिक्स डिपार्टमेंटाइजेशन एंड ईएसएफ टुगेदर. आप पहले जो है एज ए स्टेप वन आप सॉरी ईएसएफ में ऑर्गेनाइज कर लिए और ऑपरेशंस के लिए, ऑपरेशन प्लानिंग के लिए, ऑपरेशन सपोर्ट के लिए जो भी वहां के ईएसएफ जरूरी है वो ईएसएफ को आप जोड़ सकते हैं. तो वो ऑपरेशंस में सपोर्ट करने के बाद अगर उनकी जरूरत अगर प्लानिंग में होती है वो प्लानिंग में भी चले जाते हैं. तो एज ए फर्स्ट स्टेप यू विल हैव ए ईएसएफ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे जैसे आपको जरूरत होती है, जब जो है आपको डिपार्टमेंट वाइज माने ऑपरेशंस वाइज, प्लानिंग वाइज, लॉजिस्टिक वाइज ग्रुप कर उनका जैसे ही काम खत्म होते हैं फिर वो अपने ईएसएफ में चले जाता है. तो ये काम इट्स अ डायनामिक वर्क, इट कीप्स हैपनिंग. सो ये भी कर सकते हैं. सो यू कैन हैव ईएसएफ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट वाइज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. जब कॉम्बिनेशन होता है तो माने बहुत एक्टिव मैनेजमेंट करने की जरूरत होती है, टाइमलाइंस को अडेयर करने की जरूरत होती है, आपको अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है. क्योंकि अगर आप किसी को, कोई डिपार्टमेंट से दो लोगों को आप एक एक्सरसाइज करने के लिए 45 मिनट्स के लिए बुलाते हैं तो 45 मिनट्स में उनका काम खत्म कर वापस भेज देना चाहिए क्योंकि उनकी जरूरत और किधर तो हो सकती है. सो ए हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन जो है
इट हैज टू बी वेरी एक्टिवली एंड वेरी वेरी इफेक्टिवली मैनेज, या नहीं तो रिसोर्सेस थोड़ा स्ट्रेच होने की ये स्थिति आ सकती है. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो ईओसी प्री इंसिडेंट फंक्शंस, माने इंसिडेंट होने आपदा के पहले भी काफी काम करता है. जैसे मैंने उदाहरण ऑलरेडी दे दिया था, साइक्लोन गुलाब के टाइम पे सर्वेलेंस कर सकते हैं या वॉच रख सकते हैं, और ऑल्सो नॉर्मल टाइम पे प्री इंसिडेंट फंक्शंस ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, ड्रिल्स कर सकते हैं, या नहीं तो प्लानिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स का जो है अपडेशन कर सकते हैं. सो इंसिडेंट जब नहीं होता है अपने इक्विपमेंट टेस्ट कर सकते हैं, ये सारे चीज जो है ईओसी कर सकता है, ताकि जब इंसिडेंट होता है वेंडर लिस्ट अपडेट कर सकते हैं, ताकि जब इंसिडेंट होता है उनको वो सतर्क और तैयारी जो है पूरी रह सकती है. सो ये सारे चीज जो है कर सकते हैं टू एनहांस प्रिपेयरनेस. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो ईओसी जो है हर बार, जैसे देखें कि नासिक में देखें या उसके पहले के पिक्चर में देखें, सारे लोग आके कभी बैठे नहीं रहते हैं. सो ईओसी को जब भी जरूरत होती है उसको एक्टिवेट करना पड़ता है. तो थोड़े माने थोड़े स्टाफ के साथ ईओसी मेंटेन होता रहता है, और जब भी जरूरत पड़ती है जब एक्टिवेट होता है जैसे देखते हैं, और वो एक्टिवेशन के लिए थोड़े ट्रिगर्स हो सकते हैं. एक अर्ली वार्निंग जैसे ही नोटिफाई होता है, जैसे कि साइक्लोन गुलाब का, जैसे ही आप इंडियन ओशन में अगर बे ऑफ बंगाल में जैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं, आईएमडी वार्निंग इशू करता है, तो एक ट्रिगर चले जाता है और ईओसी एक्टिवेट हो जाता है सर्वेलेंस के लिए, रिस्पॉन्स के लिए, तैयारी करने के लिए. और एज पर कंटिजेंसी, और काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको बता के नहीं आते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक है और कोई भी इंसिडेंट है, एक्सीडेंट्स है, मेजर एक्सीडेंट्स हैं. माने एक प्रोटोकॉल बना के रखना पड़ता है कि जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तुरंत कौन कौन लोग आना चाहिए, इसका एक सिस्टम बनाने की जरूरत है. ये स्लाइड में थोड़े बुलेट्स हैं जिसमें कि ट्रिगर एक्टिवेट करने के लिए ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे लाइफ एंड प्रॉपर्टी या स्ट्रेस. सो इसको आप बाद में देख सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो ईओसी एक्टिवेशन लेवल्स भी हो सकते हैं, माने जो डे टू डे लेवल 4 हो सकता है, डे टू डे जो 4 लोग 8 लोग बैठ के काम कर रहे हैं उतने ही रहेंगे, और एक छोटा इंसिडेंट हुआ है जिसके लिए सिर्फ ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कोऑर्डिनेट करना है तो आप थोड़े लोगों को बुलाएंगे. तो ऐसा ऐसा बढ़ाकर अगर बहुत लार्ज इंसिडेंट होता है तो आप माने जितने भी आप प्री आइडेंटिफाइड पर्सनल हैं सारे लोगों को, माने ए फुल एक्टिवेशन लेवल हो सकता है. ये सारे पहले ही जो है सोचकर प्रबंधन करके रखना चाहिए, फुल एक्टिवेशन में कौन आएंगे, लेवल 2 में कौन आएंगे, लेवल 3 में कौन आएंगे, लेवल 4 में कौन रहेगा. ये दिस आर ऑल प्री डिस्कस्ड एंड प्री आइडेंटिफाइड डिसीजंस, और जितना इसको अच्छा से डॉक्यूमेंट करके सबकी समझ रहती है उतना एक्टिवेशन प्रोसेस जो है आसान होता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और जैसे ही एक्टिवेट होते हैं ईओसी के थोड़े इनिशियल एक्शंस रहते हैं. ये इनिशियल एक्शंस को सबको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे ही आते हैं तो अपना अपना काम शुरू करने में मददगार साबित हो सकता है. तो ये है कि करंट सिचुएशन क्या है, नीड्स क्या हैं, प्रायोरिटीज क्या हैं, ये सारा डिटरमाइन करना शुरू करो. और स्टार्ट स्पीकिंग टू द इंसिडेंट कमांडर और रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल और द इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन, और बाकी स्टेक होल्डर कोई रहते हैं तो उनको नोटिफाई करना शुरू करो कि सिचुएशन ये है, इसको ये सिचुएशन ऐसा हो सकता है, आपकी जरूरी हो सकती है, सो दैट एवरीबॉडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग. और इनिशियल ईओसी ब्रीफिंग जैसे ही एक्टिवेट होता है तो अगर 2 घंटे के बाद में अगर आपको ब्रीफिंग करना है तो इस चीज़ की ब्रीफिंग करोगे, रिव्यू करंट एंड प्रोजेक्टेड सिचुएशन, आइडेंटिफाइंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स, ये सारे चीज़ों की आप माने पॉइंट जो भी है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, इनिशियल एक्शंस क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारा इनिशियल ईओसी ब्रीफिंग में आता है, इनिशियल एक्शंस में. डे टू डे जब ऑपरेशन आप ईओसी एक्टिवेट हो गया है, जब आपके डे टू डे ऑपरेशंस क्या रहेंगे, पहला चीज तो द ईओसी एफर्ट हैज टू बी देयर,
of providing a common operating picture to all stakeholders, district administration, state administration, MHA, जो भी आपको मांग पूछता है कि आपका क्या अभी क्या स्थिति है, सब लोगों का ऑपरेटिंग पिक्चर एक ही रहना चाहिए सो दैट उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए. वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ईओसी की होती है. और प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन, क्या करना है आज के लिए, क्या करना है कल के लिए, क्या करना है एक ऑर्गेनाइजेशनल ईओसी में क्या करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन देने की जरूरत होती है. सपोर्ट इंसिडेंट प्रायोरिटीज, इंसिडेंट प्रायोरिटीज रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो सकता है, इंसिडेंट प्रायोरिटीज रिसोर्स डीमोबिलाइजेशन हो सकता है, इंसिडेंट प्रायोरिटी इंफॉर्मेशन हो सकता है, इंसिडेंट प्रायोरिटी और कुछ भी है, जो भी उनकी इंसिडेंट प्रायोरिटीज है उनको सपोर्ट करना. सेट टाइमलाइंस, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी हो रहा है उसका डॉक्यूमेंटेशन एकदम ठीक ठाक रखना ईओसी की डेली ऑपरेशंस होती है. और डिसीशंस डॉक्यूमेंट करना, ये सारे चीज एक्शंस डॉक्यूमेंट करना, ताकि अगर कोई भी टाइम पर एक ऑफिशियली फॉर ब्रीफिंग होती है तो उनको मदद कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाउ डू यू, व्हेन डू यू डीएक्टिवेट, एक्टिवेशन हो गया, काम हो गया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, ऑन सीन ऑपरेशंस नो लॉन्गर रिक्वायर ईओसी सपोर्ट. तो ऐसे टाइम पे जो है आप ईओसी जो है डीएक्टिवेट कर सकते हैं फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, लेवल 2 टू लेवल 3, लेवल 3 टू नॉर्मल सिचुएशन. एंड बट एक चीज है कि आपको प्री डिसाइडेड रहना चाहिए ये एक्टिवेशन लेवल्स और डीएक्टिवेशन लेवल्स कौन करेगा, ये सारे चीज डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए. तो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी प्री एस्टैब्लिश्ड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये इफेक्टिव ईओसी के लिए तीन चीज की जरूरत होती है, एज आई सेड, स्टाफ, फैसिलिटी और इक्विपमेंट. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये डिटरमिनेंट्स, कौन सा ईओसी अच्छा काम करेगा, कौन सा ईओसी ज्यादा अच्छा काम नहीं करेगा, वो किस चीज पे आधार होता है, किस चीज पे डिटरमाइन होता है. एक तो आपकी फैसिलिटी कैसी है, आपका इक्विपमेंट कैसा है, आपका स्टाफ कैसा है, आर द स्टाफ ट्रेंड, आपका डेटाबेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, आपका अप्रोप्रिएट और स्टैंडर्ड और माने स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है. इसका मतलब है आपका ऑर्गेनाइजेशन और लेटरली सेम लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस और हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे एक ही तरीके से डिपार्टमेंटाइजेशन वो कैसा है, वो सारे चीज़ों पर निर्धारित रहता है. और हर एक ईओसी को एक डिसीशन सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत होती है. डिसीशन सपोर्ट सिस्टम का ये मतलब ये है, इट कैन बी, इट्स ए कंप्यूटराइज बेस्ड मॉडल. अगर आपको अगर लगता है कि आपको इतनी बारिश हो गई है, इतना प्रेसिपिटेशन हुआ है यहाँ पे, मैंने जो जो जगहों में इतना प्रेसिपिटेशन हुआ है, तो इतना प्रेसिपिटेशन होने से कौन से जगह बाढ़ आ सकती है, कहाँ से कितने लोगों को इवैक्यूएट करना है, मैंने वो डेटा सारा डालकर एक सपोर्ट सिस्टम इस्टेब्लिश करके रख सकते हैं, ताकि इनिशियल इनपुट्स जैसे ही आप पैरामीटर्स देते हैं, वो डिसीशन सपोर्ट सिस्टम जो है आपको इनिशियल एक्शंस दे सकता है कि आप ये विलेजेस को इवैक्यूएट करो, यहाँ के लोगों को यहाँ पर लेके जाओ सुरक्षित स्थल में, ये लेके जाने में इतना डिस्टेंस होगा, इतनी गाड़ी की जरूरत होगी, ये सारा जो है एक डिसीशन सपोर्ट सिस्टम बना के रख सकते हैं, ताकि इवन इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के जो है के लिए आप इनिशियल डिसीशंस, इनिशियल एक्शन जो है ईओसी देने में मददगार साबित हो सकता है. सो ये काफी कंप्यूटर बेस्ड कंपनीज हैं जो कि इनिशियल डिसीशन सपोर्ट सिस्टम आपके लोकलाइज्ड डेटा के हिसाब से बना के देते हैं. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो इसके साथ साथ जैसे बोले कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहना चाहिए, एक्टिवेशन क्या रहना, एक्टिवेशन के लिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, एक्शन प्लानिंग के लिए, हर एक चीज, जितने एसओपीज आप बना के रख सकते हैं उतनी क्लैरिटी रहती है. और फॉर इफेक्टिव एंड स्मूथ फंक्शनिंग ईओसीज ऑफ द ईओसीज एसओपीज टूल्स, माने अगर आप डिपार्टमेंटाइजेशन के हिसाब से आप ईओसी ऑर्गेनाइज किए हैं, तो प्लानिंग सेक्शन चीफ है, वो प्लानिंग सेक्शन चीफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
यानी तो आप ESF के तरीके से आप रिस्पॉन्स ये डिवाइड किए हैं, तो हर एक ESF के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, ये हर एक चीज का एक 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 अगर डॉक्यूमेंट रहता है तो एक तो आपको ट्रेनिंग कराने में मदद होती है, क्योंकि ईओसी में जो लोग काम करने आते हैं जब भी आपदा होती है वो परमानेंट स्टाफ नहीं होता है, वो डिजिग्नेटेड स्टाफ फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होता है। इनको पहले से ही आइडेंटिफाई करके अगर ट्रेन करके अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप दे दोगे, जब भी एज ए विजिटिंग ऑफिशियल ईओसी को आते हैं वो उनका काम करने में जो है बहुत मदद होती है। तो एक तो आपका फैसिलिटी अच्छा रहना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा रहना चाहिए, स्टाफ जो है ट्रेन रहना चाहिए और सारे एसओपीज रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर कोई भी स्टेट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी कंट्री अगर आप ईओसीज को सेटअप करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उसको कैसे प्लान करेंगे, तो वो उसकी चर्चा एक स्लाइड में कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, एक तो आप ईओसी का पॉलिसी बनाने की जरूरत है, तो फिर उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाने की जरूरत होती है कि मैं डिस्ट्रिक्ट में पहले करूंगा यानी तो चार डिस्ट्रिक्ट में करूंगा, जो भी है, तो एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना होता है, पॉलिसी बनाना होता है कि पॉलिसी का एक्सेप्टेंस होता है, अप्रूवल होता है स्टेट लेवल पर कि हम ईओसी नेटवर्क बनाने वाले हैं, इतने पैसे एलोकेट हो गए हैं, फलाना आदमी हर एक चीज पे काम करेंगे। उसके बाद एक प्लान बनता है, स्ट्रेटेजिक प्लान, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेगा उसके ऊपर डिसीजन ले होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पे अगर डिसीजन लिए भी अगर आप ईओसी बनाएंगे तो हर डिस्ट्रिक्ट जो है अपने हिसाब के हिसाब से अगर ऑर्गेनाइजेशन बना देता है तो इंटर ऑपरेबिलिटी खत्म हो जाती है। और आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कौन सा रहना चाहिए उसमें, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर सेम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रहता है तो अच्छा है, और उसको पॉपुलेट करने की जरूरत होती है, क्या क्या एसओपीस रहना चाहिए उसको डिसाइड करके उसको रखना चाहिए, रोल क्लैरिटी क्या रहना चाहिए, और उसके लिए एक गाइडलाइन और उसका एक अच्छा सा एक चार पांच पेज में पन्नों में उनका रोल क्या रहेगा, और क्या क्या टूल्स चाहिए वो भी बताओ, और उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे ईओसी बनाते जाते हैं वहाँ पे लोग जो भी आके काम करना है उनको ट्रेनिंग करने की जरूरत होती है, और रिपीटेडली रेगुलरली फ्रीक्वेंटली ड्रिल्स करने की जरूरत होती है, और फैसिलिटीज भी इस्टेब्लिश करने की जरूरत होती है। अगर कभी कोई लार्ज इवेंट में अगर कोई दो तीन दिन रह के काम करना है तो एज ए पार्ट ऑफ दैट उनको वो क्या क्या फैसिलिटी जरूरत है वो सारे चीज देखने की उसके बारे में सोचकर योजना बनाने की जरूरत होती है। सो अगर एक गेस्ट हाउस बनाना है जो भी, तो यानी तो ईओसी के साथ ही अगर आपको रहने के लिए प्रबंधन करवाना है, सो प्लानिंग फॉर द ईओसी विल इन्वॉल्व ऑल दीज थिंग्स एंड इट इज अ वेरी टॉप डाउन मॉडल, माने इट शुड नॉट स्टार्ट विथ वन लोकल लेवल ईओसी देन गो अप, इट शुड एक्चुअली स्टार्ट एट द टॉप लेवल एज अ पॉलिसी, एज अ डायरेक्शन, एज अ स्ट्रेटेजिक प्लान, then everything at various jurisdictions should follow that particular policy and strategic plan. Jab jo hai, EOCs will emerge as one single network, one single nervous system. Otherwise, there is a danger that each EOC will be different. Jab jo hai, interoperability, coordination bahut weak ho jata hai. So, bas, thank you very much. I don't know whether I have overshot my time. Thank you very much for bearing. Yeah, thanks. I'm done. Thank you, Balaji, for गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ ईओसी एंड ऑल्सो ये बताने के लिए कि जो हमारा संचालन केंद्र होता है आपातकालीन वो किस तरीके से क्रियान्वित होता है और किस तरीके से डीएक्टिवेट होता है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि आप किसी चीज को शुरू तो कर देते हैं, खत्म करने के लिए आपके पास कोई अथॉरिटी का क्लियरेंस नहीं होता है कि भाई हम कौन इसको बंद करेगा, कौन इसको क्लोज करेगा या कौन इसको डीएक्टिवेट करेगा वैसा, और हर बार हर चीज के लिए आप
वापस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आप जनपद स्तर पे आप डीएम का मुंह देखते हैं या डीसी का मुंह देखते हैं कि डीसी साहब जब मना कर देंगे तब हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको सुदृढ़ होना पड़ेगा और वो क्लियरेंस वो साफ तौर पे अगर लिखित अवस्था में रहेगा तो आगे कार्रवाई आसान रहेगी। तो धन्यवाद इतना एलैबोरेट प्रेजेंटेशन के लिए ईओसी के लिए, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कर्नल विश्वास सुपनेकर जी को, जो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी इंसिडेंट प्रणाली है रेस्पॉन्स की, जो आपदा मोचन की जो प्रणाली है जो नई हम लोग ने अडेप्ट करने की कोशिश की है भारत सरकार ने इस पूरे कंट्री के लिए, तो उसका और हमारा संचालन केंद्र का जो तालमेल है और जो एक एक जो उनके बीच में एक रिलेशनशिप है वो कैसा है और क्या होना चाहिए उसके बारे में हमारे बीच अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कर्नल विश्वास सुपनेकर जी को। ओवर टू यू सर। थैंक यू शेखर जी, थैंक यू बालाजी फॉर द नाइस प्रेजेंटेशन एंड अ वेरी एलाबोरेट प्रेजेंटेशन ऑन द इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। कैन आई हैव द राइट टू शेयर द प्रेजेंटेशन शेखर जी? आपके पास दे दिया है सर। ओके थैंक यू, थैंक यू। Is my slide visible, Shekhar ji? Not yet, sir. आपकी स्क्रीन विजिबल हो गई है सर, प्रेजेंटेशन बस ऑन करना है। हाँ विजिबल है सर, बस विजिबल है। हाँ विजिबल है, पीपीटी मोड में कर लीजिए बस सर। राइट, सर्वप्रथम गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और एनआईडीएम का मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें मौका दिया कि आपसे वार्तालाप करें एक बहुत अहम विषय के ऊपर, जो भारतवर्ष में कार्यरत होके तकरीबन 10 साल से ज्यादा हुए हैं, मगर इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं पे हम कमजोर हैं। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो एक सिस्टम की बात कर रहा हूं। जरूरी है कि पैराडाइम शिफ्ट के अंदर हमारा फोकस प्री डिजास्टर पे रहा, पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि रिस्पांस भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना के प्री डिजास्टर प्रिपरेशन, क्योंकि हमारा अहम जो एम है, मुख्य उद्देश्य जो है आपदा प्रबंधन का, वो है जान बचाना, जान माल की सुरक्षा। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और जो भारतवर्ष की कार्य प्रणाली है इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, इसके बारे में मैं दो शब्द कहूंगा। ईओसी के बारे में बालाजी साहब ने इतने विस्तृत तरीके से आपको बताया है, तो मैं ईओसी के ऊपर
ज्यादा जोर नहीं दूंगा, मगर ईओसी और ये जो रिस्पांस है या प्री आपका डिजास्टर फेज है उसके अंदर ईओसी के कर्तव्य, हमें मालूम है कि 1996 में जब किल्लारी अर्थक्वेक हुआ था और महाराष्ट्र अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया और उसके अंदर एक कार्य प्रणाली बनाई गई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की, और भारतवर्ष में पहला इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है वो इंडिया के महाराष्ट्र में बना था, और जैसे बालाजी साहब ने बताया कि इसके प्रमुख कर्तव्य को हमको पहले समझना चाहिए, जब हम इसका इसको जब हम लिंक करेंगे आईआरएस के साथ। तो जैसे बालाजी साहब ने बताया प्रमुख कर्तव्य है कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी मेकिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, पब्लिक इंफॉर्मेशन और रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये छह मुख्य कर्तव्य को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि इसका और आईआरएस का कैसे तालमेल होना चाहिए और इससे क्या फायदे हो सकते। अब जब हम ईओसी की बात करें या इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की बात करें तो ये इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम है और सिस्टम के अलग अलग अंग जब तक एक साथ मिलके काम ना करे तो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम कार्य कामयाब नहीं हो, और यही वजह है कि 2009 का हमारा नेशनल पॉलिसी कहता है कि ईओसी और आईसीएस, उस वक्त उसको आईसीएस कहलाते थे, ये रिस्पांस को प्रोफेशनलाइज और स्ट्रेंथन करने के लिए इंटीग्रेट होना चाहिए हमारे भारत के डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स के, और पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए गाइडलाइन बनी 2010 के अंदर, और उसके बाद काफी प्लान बने, हॉस्पिटल के प्लान बने, नेशनल प्लान बना 2016, और सभी के अंदर आईआरएस और ईओसी का जिक्र किया गया। मगर जब हम ग्राउंड पे देखते हैं तो आईआरएस का इफेक्टिवनेस हमें नजर नहीं आता, क्योंकि आईआरएस को एज ए स्टैंड अलोन मैनेजमेंट टूल बोल के हम इस्तेमाल करने से कामयाब कभी भी नहीं हो। तो ये क्या है इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम की जब हम बात करें तो इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम, आज हमारे पास टाइम नहीं है, 10 मिनट के अंदर ये नहीं कवर हो सकता, मगर ये एक रिस्पांस के लिए वेल आइडेंटिफाइड मैनेजमेंट टूल है। ये एक जैसे आपके साइकिल के पहिए हैं, हर एक स्पोक होते हैं इसके, एक आध दूसरा स्पोक भी अगर कमजोर है तो साइकिल जितनी इफेक्टिवली चलनी चाहिए चलेगी नहीं। उसी तरह ये आईआरएस के भी स्पोक्स है, और वो क्या है तो रिस्पांस अगर आप देखिए तो आपत्ति में ये मल्टी एजेंसी रिस्पांस होता है, और जिसको हम ज्यादा करके जानते हैं एज ए इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन, यानी इमरजेंसी होने के बाद कौन से फंक्शंस हमको वहां पे करने पड़ते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे भारतवर्ष के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर के जो डिपार्टमेंट है वो ये फंक्शंस को एड्रेस करते हैं।
जैसे अभी बालाजी साहब ने बताया कि ये सिर्फ फंक्शंस को एड्रेस करना हर एक डिपार्टमेंट का काम है, मल्टी एजेंसी अप्रोच एट ए पर्टिकुलर लोकेशन, किसने क्या काम करना है, कब करना है। और जैसे अभी बताया साहब ने कि कोविड के अंदर हेल्थ हैज बिकम अ प्राइमरी एजेंसी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्ड, मगर उसका अकेला रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास सपोर्टिंग एजेंसी ना हो। मगर प्राइमरी और सपोर्टिंग एजेंसी जब काम करे तो एक थोड़ा सा इसको प्रोटोकॉल होना चाहिए, क्या काम करना है, किसने करना है, और इसको एसओपी कहते हैं। आज जब हम कहीं जगह पे एसओपी देखते हैं तो वो उनका एक जॉब चार्ट लिख देते हैं। हम एसओपी का नाम जॉब चार्ट नहीं है, जो आप एक फिगर देख रहे हैं उसको मिशन, उसका असम्पशंस करना पड़ता है, प्लानिंग पैरामीटर्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और उसके बाद कौन उसका प्राइमरी एजेंसी होगा जो सपोर्ट करेगा, सेकेंडरी एजेंसी होगा, किस तरीके से उसका टैक्टिकल उसको रिस्पॉन्स करेगा, और उसके बाद उसका एक हर एक के उसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाते हैं, उसको हम एक एसओपी कहते हैं। साथ ही में एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, आपत्ति व्यवस्थापन के अंदर या रिस्पॉन्स के अंदर स्पेसिफिकली आपको ऑपरेशन प्लानिंग करना पड़ता है, आपको इंफॉर्मेशन गैदरिंग, सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं, उसका असेसमेंट करके उसको जो इंटेलिजेंस है या जो हमको कार्यरत करना है ग्राउंड के ऊपर, वो इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना भी उतना ही जरूरी है। साथ ही में कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अपवर्ड्स, कोऑर्डिनेशन डाउनवर्ड्स, कोऑर्डिनेशन लीनियर, जो ग्राउंड पे काम करने वाली संस्था है जिसको हम इंसिडेंट रिस्पांस टीम कहते हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं है, और ये जो है प्रमुख काम ये ईओसी निभाना पड़ता है, उसको लगने वाले रिसोर्सेज जो बालाजी साहब ने तो कवर किए ही है, यानी ईओसी इज ए मेन हब विच सपोर्ट्स द ऑपरेशन इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन कैरिंग आउट देयर टास्क। और फिर आती है इंसिडेंट रिस्पांस टीम, उसके साथ ही आपका इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो ये जब साथ मिलके काम करेंगे तभी एक हमारा रिस्पांस जो है वो एफिशिएंट भी होगा, वो इफेक्टिव भी होगा। और इसीलिए रिस्पांस के अंदर, यानी जब भी आप रिस्पॉन्ड करते हो किसी चीज को, ईओसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। हम थोड़ा जो बालाजी साहब ने कहा उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह ये इफेक्टिवनेस हमको दो तीन जगह पे जो कुंभ मेला के अंदर हमें एक सक्सेस स्टोरीज मिली। पहला सक्सेस स्टोरी, जब सेकंड शाही स्नान हो रहा था, दूसरा शाही स्नान नासिक के अंदर, तब खबर आई रामघाट से कि एक आदमी डूब गया, मगर प्री प्लानिंग काफी अच्छा था, आगे भी हमारे टीम्स थे। ईओसी इमीडिएटली कोऑर्डिनेटेड विथ हॉस्पिटल्स, विथ द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट आल्सो टू गेट द इंफॉर्मेशन, क्योंकि तब तक मीडिया ने तो बता दिया था पूरा कि डूब गया वो, मगर जब हमको पता चला इंफॉर्मेशन गैदरिंग से कि उसको दूसरे वाले टीम ने बचाया, उसको हॉस्पिटल अभी लेके गए हैं,
और जब हॉस्पिटल में जब वो रिकवर हो गया तो ईओसी केम ऑन बोर्ड एंड इन्फॉर्म्ड एवरीवन दैट यस ही ड्राउन्ड बट द आईआरटी वाज प्रिपेयर्ड एंड दे सेव्ड हिम दे हैव टेकन हिम टू द हॉस्पिटल यानी ऊपर हाई वर्टिकली अपवर्ड्स यानी हमको इंफॉर्मेशन देने में भी और लोगों में जो घबराहट उसको शांत करने में भी कि कोई घबराने की बात नहीं शासन बिल्कुल तैयार है आपके सुरक्षा के लिए तो ये मैसेज जो जाना था वो चला गया। दूसरा मेरे ख्याल से बालाजी साहब भी वहीं पे थे हम ईओसी में बैठे थे तो एक जगह पे जो अखाड़े की जो सीनियर लोग थे वो शॉर्टकट लेके कहीं मिल रहे थे मेन फ्लो में आपको मालूम है जब शाहिस्तान होता है तो काफी बड़े तौर पे लोगों का भीड़ रस्ते पे तो होता ही है और साथ में अखाड़े भी काफी जल्लोश में चलते हैं स्नान के लिए मगर दोनों जहां पे इकट्ठे हो रहे थे वहां पे डेंसिटी काफी कुछ बढ़ने लगी और उसी वक्त हमने आरडीसी को बताया कि साहब थोड़ा इन्फॉर्म कर दो पुलिस को कि वहां पे सतर्क रहे एडिशनल फोर्स भेज के उसको कंट्रोल करे और वो मैसेज नीचे तक गया तब तक थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो ही गया था एक आधा आदमी नीचे गिर गया था वैसे रथ के पास मगर बच गया तो ये जो स्टैम्पिड की संभावना थी उसको भी रोक पाए। अलाहाबाद कुंभ के अंदर ड्रोन की कोऑर्डिनेशन यानी इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही थी ग्राउंड से आ रही थी सीसीटीवी से आ रही थी ड्रोन से आ रही थी हरेक का एक जगह पे उसको एसिमिलेट करके उसका इंटरप्रिटेशन और उसके आगे ऑपरेशनल एक्शन ये भी एक बड़ी अहम बात है जहां पे EOC played a very important role in responding. अभी EOC और incident command post अलग अलग है incident command post IRT लगाती है अपने tactical plan को implement करने के लिए और जो आपने त्रंबकेश्वर के अंदर बालाजी साहब ने आपको जो दिखाया वो हमने थोड़ा कंसेप्ट बाहर के लोगों से लिया था जहां पे उन्होंने जब एक एक्सटेंडेड हो सिचुएशन उसके अंदर एक फ्यूजन सेंटर बोल के वो क्रिएट करते तो वो एक हमारा एक फ्यूजन सेंटर था एक्सटेंडेड आर्म ऑफ ईओसी नॉट आईआरटी व्हिच वाज प्लेस देयर जैसे साहब ने बताया ईओसी की अहम बात यह होती है कि इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन के एक एक रेप वहां पे बैठे रहते हैं जहां पे इम्प्लीमेंटेशन वेदर इट इज रिसोर्स मैनेजमेंट वेदर इट इज ऑपरेशंस ये जो ईएसएफ के आदमी बैठे रहते हैं ईएसएफ के वो इम्प्लीमेंटिंग होते हैं जो ईओसी डायरेक्शन देती है उसको वो अपने डिपार्टमेंट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में हमें मदद करते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जहां पे कम्युनिकेशन बिकम्स फास्टर कम्युनिकेशन फ्लो इज थ्रू राइट चैनल फॉलोइंग द हायरार्की सो दैट देयर इज नो एम्बिग्युटी की ऑर्डर कहां से आए क्या आए पालना है पालन करना है या नहीं करना है इसकी एम्बिग्युटी बिल्कुल नहीं रहे तो ये हमको ध्यानना जरूरी है ईओसी क्या है जो मेन आपके जैसे डिस्ट्रिक्ट में हो फ्यूजन सेंटर या एडिशनल ईओसी आप अगर करते हो तो उसका है और इंसिडेंट कमांड पोस्ट क्या है हर एक के फंक्शन फ्यूजन और ईओसी का फंक्शन एक ही होगा मगर फ्यूजन छोटे तौर पे होगा और ईओसी है ये पूरा एक्सटेंडेड तौर पे बड़े तौर पे रेडियो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है और हर एक का अलग अलग आपको
जैसे आईआरएस में 5 नेट होते हैं, कमांड नेट, ऑपरेशन नेट, लॉजिस्टिक नेट, एयर टू एयर नेट, एयर टू ग्राउंड नेट, तो ये इसके अंदर हमें काफी फायदा मिलता है कि ईओसी बिकम्स अ हब फॉर द कम्युनिकेशन, और उसके जो अगर हमें कोई दिक्कत आती है वर्टिकली अपवर्ड्स तो उसके अंदर हमें मदद करता है। साथ ही में हमारे जो आईआरटी के नेट पे भी ईओसी रह सकती है। ये ईएसएफ जो साहब ने भी बताया आपको, सर्च एंड रेस्क्यू, फायर फाइटिंग, हेल्थ, कम्युनिकेशन, राइट, और उनको क्या क्या रिसोर्सेस लगते हैं और ये रिसोर्सेस कहाँ मिलेंगे हम, तो ये जो एनआईडीएम के मुख्य कार्य से ये जो एक वेब पोर्टल क्रिएट हुआ है इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, काफी इफेक्टिव है। अगर उसके अंदर हम टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहे तो आए डिजास्टर के मौके पे हमें कहीं पीछे नहीं देखना पड़ेगा कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, और ये इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क हमें आपत्ति व्यवस्थापन कायदा जिसके अंदर उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग का जो डिफाइन किया है उसका भी हम पूरे तरीके से पालन कर सकते हैं। क्या डिफाइन करता है एक्ट, कि यू नीड टू, व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग, कि यू नीड टू एक्वायर और क्रिएट रिसोर्सेस, यानी मेरे पास रिसोर्स नहीं है इसलिए ये काम नहीं कर पाया, ये आप एक्सप्लेनेशन नॉट एक्सेप्टेबल स्पेशली इन डिजास्टर मैनेजमेंट वेयर इट इज टाइम सेंसिटिव एंड वी हैव टू सेव लाइव्स, सेव प्रॉपर्टी, सेव एनवायरमेंट, और इसीलिए ये आईडीआरएन आपको काफी मदद देगा आपकी जो फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, जहां पे रिसोर्सेस की आपकी कमतरता है उसको दूर करने के लिए। और इसका इसके लिए इसका अपडेशन टाइम टू टाइम होना बहुत जरूरी है। अगर हम ईओसी के जो साहब ने अभी एक्टिविटी बताए, अगर हम नॉर्मल टाइम या प्री डिजास्टर इवेंट, प्री इवेंट या नॉर्मल टाइम पे अगर हम एक्टिविटी ले तो ज्यादा फोकस होता है इन्फो कलेक्शन, जिसको इंटरप्रेट करके इट कैन बी यू नो गिव इनपुट इनटू पॉलिसी डिसीजन, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करके व्हाट इज द रिसोर्स स्टेटस, व्हाट रिसोर्सेस एडिशनल, एनी एडिशन सब्ट्रैक्शन कैन बी अपडेटेड इन टाइम, साथ ही में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और उसका कम्युनिकेशन सिर्फ अपने तक ना रहते पब्लिक तक भी उसकी अगर खबर पहुंच जाए तो उनको चालू हालात के अंदर वो किस स्थिति के अंदर है उसके बारे में जानकारी भी उनको पहुंच जाए। और सेकंड मेजर एस्पेक्ट है इसका कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये इंफो सिर्फ एक जगह से नहीं है, आपने अभी जो इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन और जिसके लिए हमारे पूरे जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के इनके साथ इनको तालमेल रखना पड़ता है, सिर्फ इन्हीं के साथ ऐसे नहीं है, एनजीओ के साथ रखने पड़ते हैं, आर्मी के साथ रखना पड़ता है, हमारे जो अर्ली वार्निंग एलिमेंट्स है उनके साथ तालमेल रखना पड़ता है, तो ये कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूअस रखने में ईओसी कामयाब होती है अगर उसको ठीक तरीके से हम चलाएं। आप ही सोचे अभी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हम कितने तौर पे ये कोऑर्डिनेशन, कितने फ्रीक्वेंसी पे हम कोऑर्डिनेशन इसके अंदर करते हैं। रिस्पांस के अंदर जो आपका ये ईओसी स्टेट दिखाया है, मगर यहां पे अगर आप डिस्ट्रिक्ट माने तो ये डिस्ट्रिक्ट के काम है डिसीजन मेकिंग,
रिसोर्स मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ऑपरेशन कंट्रोल, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस जो मैंने आपको दोहराया, अगर ईओसी काफी दूर है तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए साइट ऑपरेशन सेंटर विच हैज टू बी मोबाइल इन दिस नेचर, और जो आईआरएस के आईआरटी से तालमेल रख के डिजास्टर को मैनेज कर सके। और अगर ड्यूरिंग इंसिडेंट मैनेजमेंट या रिस्पांस फेज के अंदर हम अगर बात करने जाए तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन का दायरा थोड़ा कम हो जाता है, इट कंटिन्यूस, पर रिसोर्स मैनेजमेंट का दायरा बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन उतने ही तौर पे रहता है और बाकी तकरीबन पॉलिसी डिसीजन हो, पब्लिक इंफॉर्मेशन है या ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। क्योंकि जैसे बालाजी साहब ने बताया, ईओसी इज नॉट ए फील्ड ऑपरेशनल यूनिट, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन, और क्योंकि यहाँ पे सीनियर ऑफिसर बैठे रहते हैं, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव्स हु कैन टेक डिसीजन बैठे रहते हैं, तो वो ऑपरेशनल प्लान के अंदर भी आईआरटी को मदद कर सकते हैं, इसलिए ऑपरेशनल। तो ये ब्रीफ तौर पे ईओसी इंटीग्रेशन इन आईआरएस फंक्शनिंग और किस तरीके से हमने उसको कार्यरत किया। टाइम को देखते हुए अभी हमारे पास सिर्फ 7 ही मिनट हैं और आपको बालाजी साहब से भी कुछ सवाल होंगे और कुछ सवाल अगर इंटीग्रेशन के भी है तो हमें आनंद होगा आपके शंका का निरसन करने में। और इसी के साथ मैं यहाँ पे मेरा आपके साथ जो शेयर करना था वो थॉट प्रोसेस यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। ओवर टू यू शेखर जी। धन्यवाद सर, इस जो एक तालमेल आपने बताया, हमारा जो संचालन केंद्र होता है और जो हमारी जो मोचन आपदा मोचन प्रणाली जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं ज़मीन पे, तो उसके बारे में जो आपने एक उनका तालमेल बताया और किस तरीके से हमारा जो आईआरएस के तहत जो साइट ऑपरेशन सेंटर की आपने बात करी कि आईआरएस के तहत साथ में वो मिलके जो कार्य कर सकता है, इफेक्टिव और कॉस्ट बेनिफिट काम हो सकता है ज़मीन पे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मंच ये खुला है आप लोग के सवाल लेने के लिए, आप लोग अपने अपने सवाल क्वेश्चन आंसर बॉक्स में, चैट बॉक्स में कर सकते हैं, और अगर आप में से कोई पूछना चाहे तो वो अपना हाथ भी रेस कर सकता है ताकि हमारे अरुण जी जो है वो उनको अनम्यूट कर देंगे ताकि आप अपने कुछ सवाल पूछ सकें। कुछ सवाल चैट बॉक्स में, क्वेश्चन आंसर बॉक्स में आए थे तो मैंने कोशिश करी है उनका निस्तारण करने की, तो उसमें से मेरे ख्याल से मैं एक सवाल जो आया था जिसको मैंने निस्तारण तो करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं एक्सपर्ट से ज़रूर इस पर राय चाहूँगा कि एक सवाल अरूप धर्जी का था कि हाउ टू सेटअप कम्युनिटी लेवल ईओसी और कवरिंग ईच हैबिटेशंस, ये एक सवाल था, तो कोशिश करी है निस्तारण करने की, लेकिन आप लोग की विशेष टिप्पणी इस पर अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। सुनने का सर, एनी ओके बालाजी, शुड आई टेक ऑन? ओके, देन बालाजी इज नॉट ओके। मैं दोबारा आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कम्युनिटी बेस्ड इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की बात कर रहे हैं। मैं दो चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूं, कहीं स्टेट्स के अंदर आपने इंटर एजेंसी ग्रुप स्थापन किए हैं
आप और इंटर एजेंसी ग्रुप के लिए एओसी की बात कर रहे हो, और कहीं जगह पे जो हम कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं और उसके अंदर कम्युनिटी का सहभाग लेते हैं आपत्ति व्यवस्थापन के अंदर, उसके एओसी का बात करते हैं। जैसे बालाजी साहब ने बताया और हमने भी थोड़े बहुत इससे कवर किए कि जो पांच मेजर टास्क है, अगर मैं पहले पॉलिसी की बात करें तो हमारे पास नेशनल पॉलिसी होती है, स्टेट पॉलिसी होती है, डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है, कम्युनिटी बेस्ड पॉलिसी नहीं होती है। दूसरी बात, वार्ड लेवल हो या विलेज लेवल हो, वहां पे आपका रिसोर्स मैनेजमेंट इज ओके उस हद तक। अगर उससे बढ़कर रिसोर्स मैनेजमेंट आपको करना होगा तो आपको आईडीआरएन का सहायता लेना पड़ेगा, आपके पास उस तरीके का कम्युनिकेशन की यंत्रणा होनी बहुत जरूरी है। हमें मालूम है कहीं जगह पे हैव रेडियोस है, मगर उसकी भी लिमिटेशंस है, कितने जनों के पास है, कहां तक पहुंच पाएंगे, उसकी कनेक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन से है या नहीं है। ये जो इंटरकनेक्टिविटी है कम्युनिकेशन का, जो एक शासन के अंतर्गत जो सुविधाएं होती है, वो कम्युनिटी अंतर्गत ये सुविधाएं प्राप्त होना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये कठिनाइयां देखते हुए जो हमने एक फ्यूजन सेंटर का उल्लेख किया था हमारे इसके अंदर, इस धरती पे कहीं आप एक कंट्रोल सेंटर बना सकते हैं जहां पे आपके लेवल का कम्युनिकेशन यंत्रणा हो, जहां पे आपके लेवल का आप रिसोर्स मैनेजमेंट कर पाए, और जहां पे कम्युनिटी नोज कि दिस इज द कम्युनिटी कंट्रोल सेंटर, इफ एनीथिंग हैपेंस आई हैव टू रिपोर्ट हियर। तो इस तरीके का आप कर सकते हैं, मगर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर मेरे ख्याल से एट कम्युनिटी लेवल मे नॉट बी पॉसिबल। थैंक यू बालाजी, एनी व्यू पॉइंट ऑन दिस? मैं डॉक्टर सुपनेकर जी से कंप्लीटली सहमत हूं। इनफैक्ट मैं तो ये बताना चाहता हूं कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे अगर जो भी आप सच फैसिलिटी अगर आप बनाना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा सोच विचार कर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ईओसी इज अ वेरी क्या रिसोर्स कंज्यूमिंग एंड इट नीड्स लॉट ऑफ रिसोर्सेस, टाइम, एनर्जी, स्टाफ। तो मेरे ख्याल से लेवल से नीचे अगर जो भी फैसिलिटी इस कारण बनाते हैं तो ये अगर जितना टेम्पररी, जितना एडॉक होती है, जैसे कि फ्यूजन सेंटर्स बताए हैं, वो बेहतर रहेगा। यानी तो ब्लॉक लेवल पर कुछ फैसिलिटेशन सेंटर बना सकते हैं जो कि ब्लॉक लेवल का प्लानिंग या ब्लॉक लेवल का ट्रेनिंग, ब्लॉक लेवल का कोऑर्डिनेशन, ये सारे चीज़ों में करने के लिए, वो भी ज़्यादा रिसोर्स इंटेंस नहीं, थोड़ा रिसोर्स माने थोड़ा माने मॉडरेटेड रिसोर्सेज के साथ बनाना ही ठीक है। और नॉर्मली जिधर कोऑर्डिनेशन की जरूरत इधर होती है कि थोड़ा हायर लेवल पे ही होती है, तो मेरे ख्याल से कम्युनिटी लेवल पर कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, पंचायत हैं, ये अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन करने में सक्षम है। तो एनीथिंग अंडर द डिस्ट्रिक्ट हैज टू बी अ वेरी केयरफुली कंसिडर्ड product and which combines not only coordination emergency operation center requirements but also planning, training, ye wo pura milakar ek chota facilitation center will be a better idea, and anything below block level I don't think there is any requirement of any permanent facility, yeah, because we have the system like panchayat raj system which can very clearly deliver what is required. Thank you.
धन्यवाद बालाजी। मेरे ख्याल से जो निष्कर्ष निकला वो ये कि अगर हम वार्ड लेवल से नीचे या डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे जाना चाहें तो बहुत हार्डकोर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की आवश्यकता शायद कम पड़ेगी, लेकिन जो हम कम्युनिटी बेस्ड और विलेज लेवल प्लान में टीम्स की बात करते हैं तो उसका एक समन्वय केंद्र बना सकते हैं, और वो समन्वय केंद्र आपस में जो भी कार्य हो रहा है उसका एक अपडेट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लोगों के साथ मिलके या अर्बन लोकल बॉडीज के लोगों के साथ मिलके हम एक समन्वय केंद्र कोऑर्डिनेशन सेंटर या फैसिलिटेशन सेंटर जो अभी बालाजी ने कहा वो हम बना सकते हैं, और वही मेरे ख्याल से समुदाय लेवल पे समुदाय के स्तर पे सही होगा। थैंक यू बालाजी, थैंक यू स्वप्नेकर जी। और अब मेरे ख्याल से शायद कोई प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है। एक सवाल पूछना चाह रहा था सर। जी जी बिल्कुल 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 रुपिंदर जी। सर मैं बहुत ही छोटा सा है, मैंने अभी देखा क्योंकि हम अभी गुलाब के समय देख रहे हैं कि उड़ीसा तट के ऊपर उनका सिस्टम बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहा है। हम उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से संबंधित कई केंद्रों को देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, या बाढ़ के समय बिहार के में काफी अच्छा प्रबंधन होता है। कोई और इस तरह के कोई उदाहरण है कहीं पे जिनको हम हमारे राजस्थान के संदर्भ में लेके आ सकते हैं कि साहब हम उनको अगर पढ़ें या देखें या उनको फॉलो करें तो हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं, कहीं की कोई केस स्टडीज हो या आपके कोई ध्यान में कोई विशेष तौर पे कोई ऐसा क्षेत्र आ रहा हो जहाँ पर इस तरह का कोई मॉड्यूल या कुछ चीज बना हुआ हो जिसको हम राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। शेखर जी। जी मेरे ख्याल से मुझे जो ध्यान आ रहा है वो आंध्रा ईओसी एक आ रहा है जिन्होंने काफी इस संचालन केंद्र में टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी का समन्वय करते हुए एक अच्छा ईओसी बनाया है, तो और या फिर नेशनल लेवल ईओसी जो हमारा एमएचए में बना था याशदा में एक स्टैंड बाई ईओसी बना हुआ है, तो उसके बारे में मेरे ख्याल से हम चाहेंगे कि कर्नल सुपने का थोड़ा सा उस पर विशेष टिप्पणी दे, लेकिन मुझे ये तीन ऐसे ध्यान आ रहे हैं जो मतलब जिनकी चीजें पढ़ के और राजस्थान के लिए इस्तेमाल करी जाए उनको एडाप्ट किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। सुपने का जी याशदा के लिए थोड़ा सा आप बता दें। राइट, सबसे पहले तो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की अगर बात करें, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा शेखर जी ने, आंध्र प्रदेश की ईओसी, उसी तरह अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के भी ईओसी था मगर वो अनफॉर्चुनेटली आपके वजह से वो ये हो गया, मगर हमारे पास सिर्फ हमने ईओसी नहीं बनाया था, हमने ईओसी के साथ एक बैकअप हब बनाया था जो विच हैज अ सिमिलर कॉम्पिटेंसी एज ईओसी, मे नॉट बी सो बिग बट कैन परफॉर्म ऑल द टास्क विच ईओसी कैन, और एक मैं उदाहरण ये देना चाहूंगा कि हमारा जो ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ईओसी है सिटी लेवल पे, ये एक उदाहरण सा है, मेरे ख्याल से नेशनल लेवल पे भी इसका विचार किया गया और वहां से भी रिकमेंडेशंस हुए हैं काफी की जो ग्रेटर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ सिस्टम्स बनाई हैं, उनके पास पैसा बहुत है नो डाउट अबाउट इट, और मगर हम अपने तौर से किस तरीके से कर सकते हैं, और इस मंच के ऊपर मैं शेखर जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल से आज की रिक्वायरमेंट है जीआईएस बेस्ड मैप्स, और कहीं ना कहीं एनडीए में ने ये एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पूरे भारतवर्ष के जीआईएस मैप बना के स्टेट्स को दे दे। आज
हम फिर वही देख रहे हैं कि 1/50,000 या 25,000 का मैप इस्तेमाल करना या टाउन प्लानिंग के मैप इस्तेमाल करना, ये अभी आउटडेटेड होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हैंड होल्डिंग एनडीएमए एनआईडीएम जितना हम कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग के अंदर खर्चा करते हैं, उतना ही अगर ये जीआईएस मैपिंग पे हो जाए तो मेरे ख्याल से सभी स्टेट इसमें फायदा हो जाएगा और वो खुद अपने हैजार्ड मैपिंग, रिसोर्स मैपिंग, ये डिजिटाइज मैपिंग हो पाएंगे और समय के बचत के साथ रिस्पांस का टाइम भी कम हो जाएगा। तो ये एक मैं आपसे दरखास्त करना चाहूंगा कि अगर आप ये ले लें पॉइंट मुद्दा, जिससे स्टेट्स बेनिफिट हो जाए। सर आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर जी, जी बाला जी, मैं इसको कुछ इसमें थोड़ा मैं जोड़ूं। जी बिल्कुल। तो और एक उदाहरण मेरे ख्याल में ये आता है केरल का। केरल का उदाहरण स्पेशली फ्लड्स के टाइम पे या इवन पैंडेमिक के टाइम पे जो है उनका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और मैंने ये भी सुना है कि देयर सम काइंड ऑफ सिस्टम व्हिच इज देयर इवन एट द ब्लॉक लेवल, और उनका एक ईओसी मैनुअल भी है जो ऑन साइट अवेलेबल है। मैं आपको उसको निकाल कर देख रहा था। मैं आप वो भी आपको ईमेल कर सकता हूँ, वो भी शेयर कर सकते हैं कि उनका ईओसी का संचालन कैसे करते हैं। काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड है केरल का। और बैंगलोर में मेरे सुनने में आया है कि आप ही के पास अनिल कुमार जी तो जो थे यहाँ से एनआईडीएम के ईडी थे, वो बैंगलोर जाने के बाद एक वॉर रूम जैसा जो एस्टैब्लिश किए थे पैंडेमिक के दौरान, उसके भी काफ़ी मैंने ऑपरेशंस और मेरे ख्याल से काफ़ी संबंधित है और इट विल बी यूजफुल। तो ये सारे चीज़ों को लेकर जैसे कर्नल सुपनेकर ने आपको सुपनेकर जी ने आपको निवेदन किया, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक एक दो या तीन दिन का एक वर्कशॉप कंडक्ट करें ताकि सारे स्टेट्स को साथ में ले आएं। तो वहाँ पर एक चार पांच अच्छे आप जो भी आइडेंटिफाई उदाहरण ले सकते हैं, उनका सिस्टम क्या है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वो कैसे डेवलप किए हैं, अगर वो स्टेट से अगर प्रेजेंटेशन हो सकता है तो मेरे ख्याल से बाकी सारे स्टेट्स को एक सुविधा हो सकती है। और जो भी इंटरेस्टेड स्टेट्स हैं वो स्टेट्स को जो है जिधर भी वेल डेवलप्ड ईओसीज हैं वहाँ पे एक एक्सपोजर विजिट्स एनआईडीएम को ले जाकर जो है माने ये डीपनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज करने की जरूरत है। सो इसको जो है आप मेरे ख्याल से यू इन द सेंस एनआईडीएम शुड लीड दिस प्रोसेस सो दैट इन द एंड व्हाट आई एम इंटरेस्टेड शेखर इज हैविंग ए स्टैंडर्डाइज्ड ईओसी ऑल ओवर इंडिया सो दैट वी बिकम इंटरऑपरेबल। जब एक के बारे में जब समझ थोड़ा कम हो जाती है, अगर दूसरे दूसरे सिस्टम्स आते हैं तो इंटरस्टेट इंटरऑपरेबिलिटी इतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि इंटर डिस्ट्रिक्ट है, इंटर एजेंसी है ये। तो वो डायरेक्शन में आपको एक प्रयास करने से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। थैंक यू कर्नल सुपनेकर एंड थैंक यू बालाजी। एक कार्य आपने मेरी तरफ डाल दिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना प्रयास मैं इस तरफ कर सकूं मैं ज़रूर करूंगा। और जहां तक एक दो दिन का सत्र या एक वर्कशॉप ईओसी के बारे में बात करने की, तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इस संदर्भ में हम लोग प्लान करेंगे। और जैसे 1 नवंबर से हम लोग का फेस टू फेस शुरू हो रहा है तो मे बी वी कैन प्लान समवेयर आफ्टर दैट एक ईओसी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मतलब आई मे बी रॉन्ग लेकिन ऑनलाइन कंसेप्ट में मुझे लगता है कि जो एसेंस आना चाहिए प्रोग्राम्स का या डिस्कशन का वो उतना मूर्त रूप में आगे आ नहीं पाता है। तो अगर फेस टू फेस में ये हम 2 दिन की वर्कशॉप करें, बुलाएं आंध्रा वगैरह से, केरल वगैरह से,
और स्टेट से बुलाएं। अमेरिका देखो कि हमने एक प्रपोजल दिया हुआ है कि हम एटीआई कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से शुरू करें और उस एटीआई कॉन्फ्रेंस में हम टू स्टार्ट विद वी कैन हैव अ थीम बेस्ड एटीआई कॉन्फ्रेंस कि हम ईओसी को लेके एक एटीआई कॉन्फ्रेंस करें ताकि एटीआई के लोग आए और वो समझें चीज को कि क्या है और उसके बाद हम ये भी मंत्रालय को हम लिखेंगे जो रिलीफ कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी ये ईओसी वगैरह की बात करें ताकि हमारे जो राज्य में घटक हैं काम करने वाले आपदा प्रबंधन के लिए दे वर्क इन कॉन्सोनेंस मतलब दो एक इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे कार्य ना हो एक कॉन्सोनेंस में कार्य हो ताकि हमारा जो मोटिव है आपदा प्रबंधन का कि हम एक रिजिलियंट भारत की जो बात करते हैं वो अगर हम एस्टेब्लिश कर पाए तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी दिशा में कदम होगा और थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टू लाइट आई विल सर्टेनली ट्राई टू गेट इट मटेरियलाइज्ड टू द एक्सटेंट दैट आई कैन डू थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर प्लीज सर आज थैंक यू सर थैंक यू सो मच फॉर दिस वेल words at the end of the program now we are closing down for the day now I'd like to invite Shri Professor Upinder Singh sir to please give a valedictory address over to you sir thank you Varun thank you Shekhar ji thank you Balaji sir thank you Supankar sir main ek naya vishay janne ko mauka mila aaj kai cheeze seekhne ko mili aur hum is vishay ke upar kai baar anabhigya hote hain aur hame अनायास ही हम लोग कुछ इस तरह की कमियां छोड़ देते हैं हमारे प्रशासनिक गतिविधियों में जिससे कि हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है इस चीज इस विषय पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और जो मैं कहना चाह रहा था वो दोनों एक्सपर्ट्स ने शेखर सर को आगे पास ऑन कर दिया है कि हाँ भविष्य के अंदर हमें इस विषय के ऊपर और कुछ वर्कशॉप्स करें नो डाउट अभी हमारे करीबन 125 लोग जुड़े और फेस टू फेस करेंगे तो शायद 25-30 जने ही आ पाएंगे तो मैं इस चीज से थोड़ा सा शेखर सर की बात से थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूँ कि 125 में से अगर 1/3 लोगों ने भी अगर हमारी बात को सुना समझा तो हमारा जो उद्देश्य है वो शायद पूर्ण हुआ और इसका एक फायदा ये भी हुआ कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर हमें दो बड़े वक्ता मिले जिनके हम विचार सुन सके इस प्रोग्राम के अंदर तो ये भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट हमें इसको मानना चाहिए नो डाउट इसने हमें कोविड ने हमें एक नई दिशा दी है प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए और पिछले कई वर्षों के अंदर हमने कई तरह के प्रशिक्षण किए हैं एनआईडीएम का बहुत बड़ा सहयोग रहा है खास तौर से विषय विशेषज्ञ उपलब्ध कराने में और इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करने में और हमें अपराइज करने में खास तौर से कोविड के दिनों में और कौन कौन से विषय ऐसे थे जिनके ऊपर हमने ये प्रोग्राम्स किए राजस्थान आप सब लोग जानते हैं बहुत बड़ा सबसे बड़ा प्रदेश है और हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की आपदाएं जो हैं वो होती हैं पिछले कुछ सालों में जब से ये ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट जब से प्रारंभ हुआ है तब से हमारे यहाँ कोल्ड वेव्स बढ़ गई हैं हॉट वेव्स बढ़ गई हैं हमारे यहाँ पे वज्रपात बढ़ गए हैं लाइटनिंग जिसे हम कह सकते हैं टिड्डियों के जो हमले थे वो बढ़ गए हैं इस बार भी प्रोलॉन्ग मानसून है एक तरह का तो उम्मीद करता हूँ कि शायद इस साल भी 2022 में वापस शायद लोकस्ट अटैक हमारे यहाँ पे होगा और ऐसे अनएक्सपेक्टेड रेन्स भी हैं हमारे अगस्त से ज़्यादा सेप्टेम्बर के अंदर हमारे राजस्थान में बारिश हुई है हम लोग तो एक तरह से मायूस हो गए थे शायद इस साल की बारिश जो है वो हमें ड्रॉट लेके आ जाएगी हमारे 23 जिलों के अंदर पर सितंबर में कुछ वर्षा अगस्त से ज़्यादा हुई तो अभी 2-4 दिन और ये इस प्रतिक्रिया जारी रहेगी बारिश की तो हो सकता है कि हमारा कुछ भरपाई जो है हमारी उस चीज से पूरी पूर्ण हो बहुत सारी समस्याएँ हैं राज्य की फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट और इन सब चीज़ों की तो रहती है जितने भी हमारे पास छोटे बड़े संसाधन उपलब्ध हैं हम उनके माध्यम से हम जितना भी
लोगों तक जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पहुंचा सकते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होती है, खासतौर से जो हमें सपोर्ट एनआईडीएम से जो मिलता है और खास विषय विशेषज्ञों के तौर पर खास तौर पे। तो थैंक यू शेखर जी, आप हमें इसी तरह से प्रेरित करते रहें और हमें सजग करते रहें किन किन विषयों के ऊपर हमें और इस तरह की वार्ताएं और करनी चाहिए। भविष्य में अगर आप हमें और इस तरह के मौके देंगे तो हम वास्तव में उनका सदुपयोग करेंगे और चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आपकी द्वारा दिए गए इस तरह के प्रोग्राम्स का लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच एंड एंड दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वैलिडिटी एड्रेस। Now, participant, before closing down and proposing a formal vote of thanks, I would like to say कि जिन लोगों ने हमारे यहाँ NIDM portal पे NIDM training portal पे registration किया था, और मैं उनसे फिर से अनुरोध करता हूँ कि जो लोग नहीं किया कर पाए किसी कारणवश, वो कृपया करके उसमें अपने आप को enroll कर लें। आज रात 12 बजे तक हमारा ट्रेनिंग पोर्टल खुला रहेगा और आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। और कृपया ध्यान रखें कि जिस ईमेल एड्रेस को आपने यूज करते हुए इस प्रोग्राम में एंट्री करी थी, वही ईमेल एड्रेस से वहां पे एनरोल करें, वरना तो क्या होता है कि कुछ लोगों ने एनरोल नहीं कर पाए थे और कभी दूसरी ईमेल डाल दी, उधर कुछ दूसरी डाल दी, उससे सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो सर्टिफिकेट जनरेशन का प्रोसेस है उसमें सिस्टम ईमेल टू ईमेल मैच करता है। तो अगर ईमेल मैच नहीं कर रही है तो इसका मतलब आपको सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये हमारा पोर्टल के से जो सर्टिफिकेट इशू होगा करीबन करीबन 10 से 12 दिन के अंदर अंदर हम आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स प्रोफेसर रुपेंद्र सिंह फ्रॉम द HCM रिफा टू प्लीज गिव एंड गिव सच अपॉर्चुनिटी टू कोऑर्डिनेट सच अ नाइस प्रोग्राम ऑन द इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स अवर एक्सट्रीम स्पीकर्स Colonel Supnekar sir from Yazda and director from SEEDS Center for Disaster Management, and Sri Balaji Chauhan sir who is giving a very nice presentation on the overview of our emergency operations center. I would like to thanks all the participants who have joined us today and gave their precious time, and I hope that they have benefited from the series of sessions today delivered by our esteemed speakers. I would like to thanks our convener and the course coordinator Shri Shekhar Chaturvedi, assistant professor in NIDM, to just organize such a nice program on the emergency operation center. Thanks you all, thank you so much. I would like to place on record thanks to Arun for coordinating this moderating and coordinating this session. Thank you Rupanja ji, we'll certainly coordinate more such programs in different areas so that we can take a holistic view on that. Thank you. We'll certainly coordinate, sir. Thank you very much. Thank you, Ripunjay ji. It's always a pleasure to, you know, sort of get involved working for a state from where my ancestors had actually migrated out into the other places. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir.